जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। मेष राशि वालों के आज के दिन आपके लिए वाहन इत्यादि से सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है, एवं आप आज के दिन अपने निज निवास से ही कोई धंधा बिजनेस व्यापार करें तो ठीक है। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको आज के दिन कोई शुभ चिंतक आपके लिए कोई शुभ सूचना दे सकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पति की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले यदि आज आप परेशान हैं तो आपको चाहिए भगवान शिव या चंद्रमा की आराधना करें, मोती रत्न धारण करें, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय होगा एवं नए पति की प्राप्ति होगी। कोई धंधा बिजनेस व्यापार करते हैं तो यह आपके लिए लकी ड्रा रहेगा, श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन घर से परिवार मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आपको आज अटका हुआ धन अथवा कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाली है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन भूमिगत द्रव्य लाभ प्राप्त हो सकता है अथवा आज आपके लिए विदेश जैसी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। दसम राशि मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय हो सकता है एवं कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त भी होगी। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन अटका हुआ धन प्राप्त होगा एवं नए मित्रों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी एवं व्यापार आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करें अथवा पुखराज नामक रत्न धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।